नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कमल और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्नोगर पे। और दोस्तों, आपके साथ आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूं लाइडर सेंसर के बारे में। ये जो हमारा लाइडर सेंसर है, जो हमें आईफोन 12 प्रो और आईफोन 12 प्रो मैक्स में देखने को मिला है, तो अब ये लाइडर सेंसर क्या होता है, ये किस तरह से काम करता है, या फिर ये आईफोन 12 में इसका क्या काम है, या वे क्या कर रहा है, इन सभी क्वेश्चन के जो जवाब हैं वो मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। मैंने इस टॉपिक को यूट्यूब पर एक्चुअली मैं सर्च किया था, पर वहाँ पर मुझे कोई भी ऐसा वीडियो नहीं मिला जिसमें इन्होंने अच्छे से बताया हो, या जो मुझे वीडियोस मिले थे वो सभी के सभी फॉरनर्स के थे। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको इस वीडियो में सिंपल भाषा में इसके बारे में समझा दूं। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हो कि ये लाइडर सेंसर कैसे काम करता है, तो आपको ये वीडियो जरूर अंत तक देखना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, फिर बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब अगर बात करूँ सबसे पहले लाइडर सेंसर की, तो इसका जो नाम है पूरा वो होता है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग सेंसर। अब अगर मैं आपको इसकी वर्किंग प्रिंसिपल बताऊँ, तो मैं आपको अगर सिंपल भाषा में बताऊँ तो जैसे रडार काम करता है, सेम प्रिंसिपल पे जो हमारा लाइडर सेंसर है वो काम करता है। रडार में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल को सेंड करते हैं, वो किसी ऑब्जेक्ट से टकरा के आता है, फिर हम उसका डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं और वैसे ही हम उसकी जो पोजीशन है वो पता लगाते हैं। सेम हम लाइडर सेंसर में करते हैं, पर लाइडर सेंसर में हम क्या करते हैं, जो हमारा इंफ्रारेड सिग्नल होता है हम उसको ट्रांसमिट करते हैं और वो हमारा किसी ऑब्जेक्ट से टकरा के वापस आता है, फिर हम उस ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो कैलकुलेट करते हैं। और इस तरह से जो हमारा लाइडर सेंसर ये काम करता है। तो अब जो मेन मुद्दा है वो ये है कि ये हमारा आईफोन 12 में क्या काम करेगा, क्योंकि आईफोन 12 प्रो और आईफोन 12 प्रो मैक्स में मुझे लाइडर सेंसर देखने को मिला है इसके बैक साइड कैमरा के नीचे, जैसे कि आप इस समय मेरी वीडियो में देख ही पा रहे होंगे, ये जो हमें वाइट वाइट कलर का दिख रहा है ये एक्चुअल में लाइडर सेंसर है। तो दोस्तों, आईफोन 12 में इस लाइडर सेंसर की हेल्प से सबसे पहला काम ये होने वाला है कि जो हमारी फोटोग्राफी है वो थोड़ी इंप्रूव होने वाली है। वो कैसे दोस्तों, जैसे कि आपने एंड्रॉइड फोन्स में देखा होगा कि जब भी हम कभी कभी आजकल पिक्चर्स लेते हैं तो वोके इफेक्ट में लेते हैं। वोके इफेक्ट में क्या होता है, जो हमारी बैकग्राउंड है वो ब्लर हो जाती है और जो ऑब्जेक्ट होता है उसी पे सिर्फ पर्टिकुलरली फोकस रहता है। तो उसमें जो हम काम में लेते हैं वो होते हैं हमारे टाइम टू फ्लाइट कैमरास। पर अगर मैं बात करूं आईफोन की, तो आईफोन में इन्होंने TUF की जगह लिया है लाइडर सेंसर को। अब लाइडर सेंसर में क्या होता है कि अगर मैं बात करूं TUF की, तो उसमें क्या होता है कि हम सिंगल रे को सेंड करते हैं और सिंगल रे को सेंड करके वो ऑब्जेक्ट से टकरा के आती है, उसके बेसिस पे फिर हम उस ऑब्जेक्ट को फोकस में लेते हैं और हमारी जो बैकग्राउंड है वो ब्लर होती है। तो दोस्तों, लाइडर सेंसर के केस में क्या होगा कि ये मल्टीपल रेज को ट्रांसमिट करेगा, वो जो रेज हैं वो हमारी ऑब्जेक्ट से टकरा के वापस आएंगी, उसके बाद हम जो वोके इफेक्ट है वो अपनी पिक्चर पर क्रिएट करेंगे और जो हमें एक्यूरेसी इसके साथ मिलने वाली है डेप्थ सेंसिंग की, वो हमें बहुत ही अच्छी देखने को मिलने वाली है। अब उसके बाद अगर बात करूं मैं कुछ और फीचर्स की कि हमें लाइडर सेंसर से और क्या कर सकते हैं, तो दोस्तों जो 3D स्कैनिंग है वो हम इस लाइडर सेंसर की हेल्प से बहुत अच्छी कर सकते हैं। आपको बता दूं कि अगर आप कोई 3D स्कैनिंग वाला काम करना चाहते हो, या फिर अगर आपके पास आईफोन 12 प्रो या आईफोन 12 प्रो मैक्स है, तो लाइडर सेंसर की हेल्प से जो 3D स्कैनिंग वाली एप्स आती हैं, या किसी ऑब्जेक्ट को आप 3D स्कैन करना चाहते हो, तो वो आप बड़े अच्छे से कर पाओगे। उसके बाद दोस्तों, इसका जो एक और यूज़ है वो ये है कि जो ऑगमेंटेड रियलिटी, जो कि आजकल हम देख रहे हैं कि हमें बहुत सारे जो हमारे गैजेट्स होते हैं उनमें देखने को मिलती है, तो वो भी हमारा इस लाइडर सेंसर की हेल्प से काफ़ी अच्छा होने वाला है। अगर मैं आपको कोई एग्जांपल दूँ लाइडर सेंसर की, तो जैसे कि दोस्तों आजकल होता है क्या कि अगर हमारे पास कोई ऐप है तो हम क्या करते हैं, अपने जो हमारा रूम होता है उसको विचुअली कहीं भी कोई भी चीज़ अरेंज कर सकते हैं, जैसे कि मेरी कमरे में जो चेयर है वो जहाँ पे होनी चाहिए, टीवी जहाँ पे होना चाहिए, बेडरूम जहाँ पे होना चाहिए, तो वो आईफोन में या फिर जो हमारी ऑगमेंटेड रियलिटी एप्स होती हैं उनमें हम विचुअली कर सकते हैं। तो अगर ये लाइडर सेंसर हमारा आईफोन 12 प्रो मैक्स में है, तो अगर हम उसके बाद कोई भी ऑगमेंटेड रियलिटी वाली जो ऐप है वो इस्तेमाल करते हैं, तो जो होगा क्या कि जो हम जो अरेंजमेंट्स है या जो ऑगमेंटेड रियलिटी वाली एप्स होती हैं, AR एप्स जो होती हैं, उनको हम काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे। तो ये भी एक इसका बहुत ही अच्छा यूज़ है। इवन एप्पल ने अनाउंस भी किया है कि लाइडर सेंसर के बाद हमें बहुत सारी AR एप्स इसी साल के एंड में या नेक्स्ट ईयर रिसेंटली हमें देखने को मिल जाएंगी इनके प्ले स्टोर्स पे। तो दोस्तों, यही था इस वीडियो में जो कि मैं आपको बताना चाहता था। मैंने आपको बता दिया कि लाइडर सेंसर की हेल्प से हम आईफोन 12 प्रो में क्या क्या काम कर सकते हैं। जो सबसे मेन इफेक्टिव मुझे लगा है अभी तक वो यही है कि जो हमारी डेप्थ सेंसिंग है वो बहुत ही अच्छी होने वाली है, फोटोग्राफी हमारी ओवरऑल इंप्रूव होगी, उसके अलावा जो 3D डेटा है वो भी हम अच्छे से कैप्चर कर पाएंगे, और जो ऑगमेंटेड रियलिटी वाली एप्स होती हैं, AR एप्स होती हैं, उनको भी हम अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। तो यही था ओवरऑल इस वीडियो में जो कि मैं आपको बताना चाहता था। अगर आपको मेरा वीडियो सच्ची में पसंद आया तो उसको प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिए, उसके बाद मेरे चैनल टेक्नोगुरु को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फिलहाल किसी वीडियो में मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।